हाय देयर, आज हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, आपको बताया गया था कि जो केमिकल रिएक्शन होता है तो ड्यूरिंग रिएक्शन या आफ्टर रिएक्शन या हमारे जो प्रोडक्ट में जो चेंजेज आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो उसमें सेकेंड हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो प्रेसिपिटेट है ये क्या है हमारा। ओके, तो प्रेसिपिटेट को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। प्रेसिपिटेट, ओके, तो जो प्रेसिपिटेट होता है वो हमारा क्या होता है, सॉलिड प्रोडक्ट है। क्या है हमारा, सॉलिड प्रोडक्ट विच इज इनसॉल्युबल आप बोल सकते हो इन सॉल्यूशन, और आप क्या बोलते हो कि सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ओके, कह रहा है कि जो प्रेसिपिटेट है वो हमारा क्या है, सॉलिड प्रोडक्ट है जो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा सॉल्यूशन में, या आप क्या कह सकते हो सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ओके, वो क्या होगा, सॉल्यूशन से वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जैसे अगर मान लो कि वाटर है और वाटर में आप सैंड को मिक्स करोगे तो सैंड क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो जो सॉलिड सैंड है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर वो हमको नहीं लेना, यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो अगर सॉलिड होगा और इनसॉल्युबल होगा तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे। ओके, तो चलिए इसको एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जिसमें सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो चलिए हम लोग पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। पहला एग्जांपल में आपका है कर है कि वेन पोटेशियम आयोडाइड। ओके, क्या बोल रहा है कि जब हम पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करेंगे लीड नाइट्रेट तब हमारा किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड। तो लीड आयोडाइड, और ये इसका कलर कैसा होगा, येलो होगा। ओके, अब प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ओके। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब लीड आयोडाइड को रिएक्ट करवाएंगे लीड नाइट्रेट के साथ तो हमारा एक येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, और क्या का फॉर्मेशन होगा, पोटेशियम नाइट्रेट का। ये हमारा क्या है, बॉडी इक्वेशन है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो पोटेशियम का क्या होता है, के होता है, और आयोडीन का क्या होता है, वन होता है। तो पोटेशियम आयोडाइड प्लस लीड नाइट्रेट है, तो लीड का क्या होता है, पीबी, इसका वैलेंसी टू होता है। नाइट्रेट का क्या होता है, NO3, ये टू हो, इसका लीड का दो होता है और नाइट्रेट का वन होता है। तो हमें क्या चाहिए, दो नाइट्रेट चाहिए। ओके, को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा क्या बन रहा है, लीड आयोडाइड। तो लीड हमारा क्या है, पीबी, आयोडीन का क्या होता है, वन होता है, इसका टू होता है। तो आयोडीन कितना चाहिए, दो चाहिए, अब प्लस पोटेशियम के NO3, पोटेशियम का भी वन होता है, नाइट्रेट का भी वन होता है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, तो पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो पोटेशियम आयोडाइड है ये हमारा क्या है, एक्वस है। ओके, और लीड नाइट्रेट भी हमारा क्या है, एक्वस है। ये हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट है, और प्रेसिपिटेट हमेशा क्या होगा, सॉलिड होगा। और ये हमारा क्या है, येलो है प्रेसिपिटेट, येलो कलर का है। ओके, और ये हमारा क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है, और ये हमारा क्या है, एक्वस है। चलिए हम लोग क्या पहले क्या कर लेते हैं, ये क्या है, जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ गैस में जो लास्ट एग्जाम्पल लिए थे उसको हम लोग बैलेंस नहीं किए थे, तो आप जाके बैलेंस कर सकते हो। फिर हम लोग देख रहे हैं
कि पोटेशियम एक है, पोटेशियम एक है हमारा, नाइट्रेट यहाँ पर हमारा दो है, नाइट्रेट दो है, तो यहाँ पर हम दो यहाँ पर यूज़ करते हैं। नाइट्रेट दो हो गया, तो दो हो गया, तो पोटेशियम भी हमारा दो हो गया, ओके। आयोडीन दो है, तो ये दो पोटेशियम हो गया, ओके हो गया। लीड एक हो गया, नाइट्रेट हमारा दो हो गया, पोटेशियम दो हो गया, आयोडीन दो हो गया, मीन्स ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, अब बैलेंस हो गया। और आप यहाँ देख लो कि जब हम पोटेशियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारा किस तरह का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये क्या है, इनसोलेबल इन सॉल्यूशन है, मीन्स जो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट है इसमें यह क्या होगा, सोलेबल नहीं होगा। तो जब सॉलिड होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल है। चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेकेंड, इसको डायरेक्टली हम लोग लिख लेते हैं। कह रहा है कि जब सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, ये हमारा क्या होगा, एक्वस होगा, को रिएक्ट करवाएंगे बैरियम क्लोराइड के साथ, बैरियम क्लोराइड ये भी हमारा क्या होगा, एक्वस होगा, तब हमारा किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट ये हमारा क्या होगा, सॉलिड होगा, अ प्लस HCl, ओके। तो कह रहा है कि जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तब हमारा क्या, किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, वाइट प्रेसिपिटेट, ये हमारा कैसा है, वाइट प्रेसिपिटेट है, वाइट प्रेसिपिटेट, ओके। तो जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें बैरियम सल्फेट मिल रहा है, और ये क्या है, सॉलिड है, और इसका कलर क्या है, वाइट है। तो ये हमारा वाइट प्रेसिपिटेट का, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट इज फॉर्म ड्यूरिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज रिएक्ट विद बैरियम क्लोराइड, ओके। ये हमारा तो गैस होगा, या एक्वस आप ले लो, एक्वस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल है किसका, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट चेंज इन कलर नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।